बताया नहीं तभी तो मैंने तो इस टाइम क्रैश कोर्स होती है क्लास फैसिलिटी में आपको लेके मैंने तो चलो वो दोनों ही खाया है उसमें बट मेरे को था कि ये पहले क्रैश कोर्स होती है उसके बाद हिंदू लॉ होती है क्रैश कोर्स वाला वो सीपीसी और वो चल रहे लास्ट क्या टॉपिक था अपना अनाउंसिंग लास्ट वाला ऑप्शन वो अपने कर रहे थे सिविल डेथ वाला पॉइंट यस उसमें लिखो हाँ सेवन इयर्स वाला उसमें लिखो कुछ मेंशन तो किया ही नहीं था उसमें अच्छा वो लिख लिया था नहीं नहीं वो तो रिनाउंस में था पिछला पिछला ग्राउंड में था वो तो सेवन में सेवन इयर्स वाले में कुछ नहीं लिखा ना थर्टीन वन सेवन उसमें मेंशन कर लो 1317 has to be read with section 108 Indian Evidence Act. Next line, mere absence 108 evidence. Mere absence of the spouse. Will not automatically mere absence of the spouse will not automatically dissolve the marriage a specific declaration with regard to this is required. रिक्वायरमेंट जैसे सेवन को ध्यान से रीड करो तो उसी में मेंशन की गई है और के बाद में शुरू वाली लाइन तो होगी हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ एज बीइंग अलाइव फॉर पीरियड उस बंदे ने नहीं सुना और वर्ड में क्या है More by those persons who would naturally have heard of it. That means जिनके साथ में रह रहा होता तो वो present alive वाला criteria में call करता उस तरीके से इसलिए इसमें mention करो parents near relatives or children are the persons who would have been in knowledge of the life of such absent person comma are necessary parties next line if these persons rebuts then burden of proof shifts on them to prove that the absent spouse is alive. ठीक है पहले declaration हो जाएगी फिर declaration की copy petition के साथ में लग गई फिर उसके बेस पे divorce फिर इसके अंदर वो party बनाने की जरूरत है ठीक है मतलब उनको क्योंकि वो डिक्लेरेशन वाला पॉइंट है वो इन इटसेल्फ प्रूव हो गया तो कंक्लूसिविटी वाला क्राइटेरिया हो गया जैसे उस पॉइंट पे तो नेक्स्ट इसमें मेंशन कर दो इन पिटीशन फॉर द रिलीफ अंडर 1317
डिक्लेरेटरी डिक्री विल बी अटैच्ड विद द पिटीशन, विल बी अटैच्ड विद द पिटीशन. इसीलिए तो वहां पे उनको डिक्लेरेशन के टाइम के ऊपर सबको पार्टी बनाया जाएगा. फिर सेक्शन 44 एविडेंस एक्ट अप्लाई, एक बार रीड करके देख लो क्या है वो. क्या है 44? कॉल्यूजन और फ्रॉड ऑन द कोर्ट. ये दोनों काम ही हो ही रहे हैं वहां पे. कॉल्यूजन भी हो गया, कॉलेसी सूट भी हो गया, फ्रॉड ऑन द कोर्ट भी हो गया. डिक्री का स्टेटस वॉइड हो जाएगा, वैलिड नहीं होगी. कल को मैरिज होगी, बाइगेमी वगैरह वो भी बन सकते हैं, ये भी आ जाएंगे. केस भी बनेगा बनेगा, फ्रॉड और वो चीजें आ ही रही हैं जैसे उसके रिगार्डिंग. ठीक है, क्या थे उसके अंदर? आईपीसी आपने से हो रखा है किसी का? आईपीसी हो गया क्या था आरवर्सी टॉल्सन में? मैरिज कर लेती है, मैरिज के बाद में वो वापस आ जाता है. इशू उसमें था बेसिक पॉइंट कि जिनके साथ में वो गया था वो जो सेलर्स थे उनमें से वापस आ गए, तो दैट मींस उसमें शिप शायद सैंक भी कर गया था. इस तरीके से भी इश्यू थे उसके रिगार्डिंग. जो नहीं, सर्वाइविंग जो पर्सन थे ना जो उसके साथ में थे उस वॉयज में, उन सब से उसने एक एक से इंक्वायरी कर ली, इवन कैप्टन ऑफ द शिप और सारे के सारे. इस तरीके से क्राइटेरिया था. जब सबसे उसने इंक्वायरी कर ली तो सबके रिगार्डिंग आगे भी अगर इतने टाइम तक नहीं लौटा था, दैट मीन वहां रह गया, वहां तो अभी डेडी हो गया होगा. वहां पे गुड फेथ प्रूव हुआ था, ठीक है, और उसने बाइगेमी के लिए लायबल नहीं बनाया गया था भाई, क्योंकि उसने रीजनेबल इंक्वायरीज तो कर ली ना उसके रिगार्डिंग. ये क्राइटेरिया था. एब्सेंस ऑफ मेंस्रिया थी, इसलिए उसको फिर 494 में क्या फेथ या ये है कि स्पाउस इज अलाइव, फिर भी उसकी प्रेजेंस अलाइव होते हुए दूसरी मैरिज कर, उसमें था उसका फेथ क्या था, इज नॉट अलाइव. तो वहां पे वो स्टैच्यूटरी पीरियड मतलब ये 7 ईयर्स वाला नहीं भी पूरा किया था तो भी वहां पर उसको लायबल नहीं ठहराया गया बाय गेम. 494 के साथ में रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है. तो गिवन सर्कमस्टांसेस के कारण था, स्पेशल रीजन उसके रिगार्डिंग, ठीक है. ग्राउंड ये हो गए, फॉल्ट ग्राउंड जैसे इसके रिगार्डिंग 13(1)A में आ गया दोनों, एक सेक्शन 9 के साथ हो, एक सेक्शन 10 के साथ हो गया. तो उनमें भी 1 ईयर के बाद में अलाउ हो जाएगा. 13(2) स्पेशल ग्राउंड के. तो भाई अब इसमें क्या कि स्पेसिफिकली 4 ग्राउंड मेंशन किए गए हैं. इनका लिंक भी मतलब जैसे उस तरीके से कि जो हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट या मेंटेनेंस सीआरपीसी 125 के साथ में रिलेटेड है. चार ग्राउंड जैसे इसके रिगार्डिंग, एक तो क्या है कि getting maintenance for 1 year 25 या फिर 18
चार राउंड है बेसिकली इसके रिगार्डिंग, चार राउंड ये फुलफिल होंगे तो स्पेसिफिकली राइट बनेगा वाइफ का इसके रिगार्डिंग। जो फर्स्ट है जैसे 13-1 वाला, तो ऑलमोस्ट ये होगी 1। ये तो आज की डेट में रिडंडेंट है, क्यों? क्योंकि एचएमए के बाद में अगर मैरिज हुई होगी तो उसका स्टेटस वैसे भी वॉइड है, डिवोर्स की वैसे जरूरत नहीं। अगर बिफोर एचएमए की मैरिज हुई है तो आज कितने टाइम हो गया, काफी साल ही हो गए, 60-70 साल हो गए, क्या डिवोर्स लेना, क्राइटेरिया वो रह गया होगा तो वो क्योंकि अगर एक की डेथ होगी तो वैसे क्या, अदरवाइज वो क्राइटेरिया भी होगा पॉइंट रिडंडेंट इसी रीजन से उसके रिगार्डिंग। मैरिज इससे पहले होनी चाहिए, रेपुटेशन इसमें 15-18 के बीच में रहना चाहिए। तो फर्स्ट वाला जैसे एक बार रीड करना 13-1 को। एक अदर वाइफ इज अलाइव, मतलब एक वाइफ को तभी डिवोर्स मिलेगा जब दूसरी वाइफ है वो अलाइव हो तो ही, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसमें स्पेसिफिक कंडीशंस ही होगी। सेकंड में अब यहाँ पर क्या हुआ, सेशन कोर्ट ने उसको रेप के लिए कन्विक्ट कर दिया हस्बैंड को, और उसके बाद में वाइफ ने फाइल कर दी पिटीशन अंडर 13-2-2। मिल जाएगा उसको, मिलेगा। हस्बैंड ने अपील फाइल कर रखी है हाई कोर्ट के अंदर, जब तक फाइनलिटी नहीं आती, जब तक फाइनलिटी नहीं आती। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर कि ये 13-1 का जो 7 है, जैसे इसमें 7 ईयर्स के वेयर अबाउट्स की बात की है, 13-2 का 2 है, इसमें चार ये तीन ऑफेंसेस की बात की है। बना ये तो है एचएमए 1955 का, बट इन पॉइंट के ऊपर जो 1939 का मुस्लिम लॉ का जो एक्ट है उस पर इन पे क्लैरिटी दी गई है। कैसे? वैसे तो क्या है कि 7 ईयर्स है उसकी जगह उन्होंने 4 साल ही बोला है, 4 साल से वेयर अबाउट्स ना बताओ, बट उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया है कि कौन सी जो पार्टीज है विल बी द नेसेसरी पार्टी इन सच डिक्लेरेटरी सूट। तो अंकल, नेफ्यू, ब्रदर, चिल्ड्रन, ये मेंशन किया हुआ है, बिना उनके वो होगा नहीं। एक प्लस वो डिक्री भी आ जाए तो उसके बाद में फाइनलिटी वाला क्राइटेरिया उसके बाद में अटेन होगा, एक तो ये हो गया इस उसमें। और दूसरा जैसे ये वाला जो ग्राउंड था इसमें जो मेंशन किया हुआ है, अब इसमें स्पेसिफिकली जैसे पनिशमेंट के रिगार्डिंग, पनिशमेंट वाले पॉइंट पर भी उन्होंने मेंशन किया अंटिल दैट पनिशमेंट हैज बिकम फाइनल, वर्ड उन्होंने यूज किया फाइनल। फाइनल का मीनिंग क्या हुआ, या तो अपील नहीं फाइल की और अपील का टाइम लैप्स हो गया, या फिर हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया ये कंडीशन। क्या चीज? मान लेते हैं, मान लो उसने मैरिज कर ली, अब वो रिवर्सल हो गया हाई कोर्ट में, दैट मीन बंदे का दोष ही नहीं था, फिर तो मिल कैसे कैसे उसके रिगार्डिंग नहीं है। ये चीजें प्रेसिडेंट से निकल के आती हैं, क्योंकि तो इसका मीनिंग क्या है क्यों वर्ड इसमें जो मेंशन है ना कि पनिशमेंट, गिल्टी, गिल्टी का मतलब ये थोड़ा हो गया कि लोअर कोर्ट ने गिल्टी कर दिया तो फिर वो गिल्टी हो गया, उसके आगे अपील में गए उसने रिवर्सल कर दिया तो बंदा तो गिल्टी नहीं हुआ ना उसके रिगार्डिंग। तो पनिशमेंट तो उसको तभी मिलनी है जब फाइनल हो जाएगी, तब अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो फाइनल क्या चीज, एनिमल्स के साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी, नहीं बेस्टिलिटी वाज विद एनिमल्स, सोडोमी इज अगेंस्ट द नेचर 377 और उसकी के रेप सोडोमी बेस्टिलिटी, रेप तो हो ही गया 375 वाला पॉइंट क्राइटेरिया।
और सोडोमी बेस्टिलिटी बोथ विल फॉल अंडर 377। कंसेंशुअल हैज बीन रिकॉग्नाइज, अनकंसेंशुअल और फोर्सफुल इज स्टिल एन ऑफेंस। कौन सा? हाँ नहीं 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 ऑफेंस हटा नहीं उसको, उस तरीके से देखो 377 हैज बीन पार्शियली डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पार्शियली का मीनिंग क्या हुआ? कंसेंटिंग कपल्स, कंसेंटिंग जो हो गए उनके बीच में नहीं है, जहां पे कंसेंट नहीं है फोर्सफुल होगा तो वो तो अभी भी 377 का क्राइम ही है ना, तो वो तो क्राइटेरिया उसमें आएगा ही आएगा। देखो इवन रेप लॉ वाला क्राइटेरिया वो भी एक फेजेस में चलता रहा है, 375 वाला क्राइटेरिया एक अलग था, अब उसमें जो अब सोडोमी वाला पार्ट है वो 375 में भी सेक्सुअल एक्ट के अंदर काउंट हो जाएगा विद रिगार्ड टू फीमेल, विद रिगार्ड टू मेल इफ इट इज अगेंस्ट द विशेज और कंसेंट तो 377 में रहेगा ये वाला क्राइटेरिया उसके अंदर। इवन पॉस्को जो एक्ट भी आया है उसमें भी तो वो चीजें कवर अप ही की गई है ना उसी के रिगार्डिंग, उसमें तो विद कंसेंट और विदाउट कंसेंट अगर एज वो चाइल्ड वाली है फिर वो मैटर नहीं करता, वो इसी पॉइंट के ऊपर ही वो स्पेसिफिक हो गया ना उसी के रिगार्ड, अदरवाइज कंसेंटिंग और नॉन कंसेंटिंग वाला क्राइटेरिया था। तो वो तो फेजेज है, जैसे वुमेन वाला क्राइटेरिया हो गया अब वो उसमें कवर अप हो गया, सोडोमी वाला उसमें अगेंस्ट कंसेंट वाला उसमें आ गया, चिल्ड्रन वाला क्राइटेरिया इसमें काउंट नहीं होगा, अब उसको उसमें स्पेसिफिकली विद कंसेंट था उसमें कवर अप हो गया, तो सिर्फ एक जो 377 वाला विदाउट कंसेंट का वो 377, तो इसमें सोडोमी वाला पार्ट उसी के साथ में जाएगा। सोडोमी बेसिलिटी दे आर अगेंस्ट द नेचर, बस सिर्फ ये पॉइंट है एक तरीके से 377 का जो चार्ज है वो प्रूव भी होगा इस कैटेगरी में। थ्री के अंदर दो क्राइटेरिया हो गए, जैसे सेक्शन 18 है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इसमें और जो 13(1) के अंदर दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है? 18 के अंदर क्या है कि वो स्पेशली वाइफ को अवेलेबल ग्राउंड्स है, और उसके अंदर क्या है कि वाइफ सिर्फ सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस मांगती है विदाउट क्लेमिंग द मेंटेनेंस, और उसके लिए वो ग्राउंड प्रूव कर देती है जो उसमें मेंशन किए हुए 18 के क्लॉज 2 के अंदर, वो भी फॉल्ट ग्राउंड्स का ही क्राइटेरिया है, बट उसने डिवोर्स नहीं मांगा इसलिए डिवोर्स नहीं दिया जा रहा। एक तरीके से चाहे ये सेक्शन 18 हो, अभी कुछ और भी सेक्शन हमने करने हैं, 13 कैपिटल ए है, सेक्शन 23 भी है जैसे इसके अंदर, ये वाले सारे भी है उसके साथ। तो इसमें जब वाइफ मांग रही सिर्फ यही है, डिवोर्स मांगा नहीं, तो दैट मीन्स कोर्ट का जो टिल्ट है वो अपने आप ही वहां पे प्रूव हो रहा है कि अभी मैरिज तो सेव्ड है ना, देयर आर चांसेस ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन द कपल, तो इसलिए ठीक है एक बार ये ग्रांट कर दो। तो जब ये ग्रांट कर दिया जैसे इसके रिगार्डिंग, अब इसमें एक साल निकल गया, देन इट बिकम्स अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, अब दोबारा से उसको वही ग्राउंड प्रूव करने की जरूरत है। एक बार 18 पर आना अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, टाइटल था मेंटेनेंस ऑफ वाइफ बट शी इज नॉट डिवोर्स्ड, एक बार रीड करना 18 को इसमें। ठीक है एक तो ये हो गया सिंपली मतलब एंटाइटल टू मेंटेनेंस, अब क्लॉज 2 है जो इसमें भी क्या हुआ, एक्चुअल डेजर्शन भी आ गया, विलफुली नेग्लेक्टिंग वाला पॉइंट कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन भी आ गया, ग्राउंड वही दोनों इसमें आ गए। बी में क्या है, इसकी वर्डिंग इस टाइप की है जैसे इस तरीके से कि फिजिकल एंड मेंटल क्रुएलिटी बोथ आर इंक्लूसिव, तो इस टाइप के टॉन्ट्स हैं कमेंट्स हैं वगैरह कि वो सफर कर रही है तो भी वो वाला उसके लिए हार्मफुल हो गया, अगर वो पीट रहा कर रहा है तो वो भी हो गया, तो फिजिकल मेंटल क्रुएलिटी 18(2) बी में भी आ जाएगी। सी में रिलेटेड डी, ठीक है ये वाला जो पॉइंट है दैट इज रीड विद 13(2)(1)
एक और वर्ड आएगा इसी का ही ए के अंदर भी, तो वो डिफ्रेंशिएट करता है यहाँ पे वर्ड वाइफ और कॉन्क्यूबाइन वाले क्राइटेरिया में। तो जो 13:2:1 का ग्राउंड क्या था, व्हेन अदर वाइफ इज लिविंग, तो फिर जो दोनों में से कोई भी एक वाइफ ले सकते हैं। एक वाइफ ने डिवोर्स ले लिया, अब क्या दूसरी वाइफ भी डिवोर्स ले सकती है? दो वाइफ थी, मैरिज है एचएमए से पहले की, ठीक है, एचएमए के बाद में एक वाइफ ने तलाक ले लिया, डिवोर्स ले लिया 13:2:1 के बेस पे, वे दूसरी वाइफ जिंदा है, उसको मिल गया, प्रूव कर दिया। अब जो दूसरी वाइफ है वो भी क्लेम करना चाहती है डिवोर्स, क्योंकि अब अगर वर्ड वाइफ लिविंग वाला पॉइंट नहीं है, वो एक वुमेन लिविंग है, क्योंकि उसका रिलेशन तो हस्बैंड के साथ में वाइफ वाला है ही नहीं ना वहां पे। जो वाइफ की कैटेगरी में नहीं है तो उसका ग्राउंड भी नहीं है, इसके लिए जो स्पेशल ग्राउंड चाहिए अदर वाइफ लिविंग वो तो पूरा ही नहीं हो रहा, तो एक ही वाइफ क्लेम कर सकती है वाला राइट। तो इसमें जो डी में पॉइंट आ गया, अब 13:2:1 में डायरेक्टली वो डिवोर्स मांग सकती है, 18:2D के अंदर वो अकेला सेपरेट रेजिडेंस भी मांग सकती है, ठीक है, ये मैटर ऑफ राइट हो गया उसके रिगार्डिंग। ई ठीक है, प्रोस्टिट्यूट इस तरीके से, तो पॉइंट वही हो गया इसी के रिगार्डिंग क्राइटेरिया कि ये बेसिकली काइंड ऑफ अ मॉरल ग्राउंड ज्यादा है, रीजन बीइंग सोशल यूनिट इज अ फैमिली, वो मॉरल ग्राउंड वाला क्राइटेरिया हो गया इसी इसमें। तो दोनों ही क्राइटेरिया इसमें दोनों एस्पेक्ट से मेंशन कर दिया। अब ये वाला एक तरीके से अब डिफ्रेंशिएट भी हो जाएगा, जैसे उसमें 13:2:1 वाला क्राइटेरिया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो दोनों को अवेलेबल है, यहाँ पे वाइफ को हो गया, है तो वही ग्राउंड, इसमें थोड़ा क्राइटेरिया एक अलग तरीके से हो गया। इसमें एफ में ये सेम ग्राउंड, उधर कन्वर्जन है इधर भी कन्वर्जन है, अदर देन एनी काइंड ऑफ हिंदू फेथ। जी में एनी अदर कॉज जस्टिफाइंग लिविंग सेपरेटली, ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। हाँ ये सारे ग्राउंड, क्योंकि क्लेम कर रही है वाइफ तो वाइफ को प्रूव कर, जब ये ग्राउंड प्रूव कर लेगी देन शी विल बी गेटिंग दैट सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस इसमें, और ये सीज कर जाएगा 18:3 का क्राइटेरिया अगर पूरा हो गया तो। 18:3 में क्या है, अगर वो कन्वर्ट कर गई हिंदू ने रही तो हो गया, प्लस इस शी इज अनचेज अगेन, ये भी मॉरल, इसके ऊपर भी लायबिलिटी है। कौन सा कैसे, दोनों में से कौन सा जनरल है कौन सा स्पेशल है? स्पेशल है, स्पेशल जिसके लिए बना है फिर स्पेशल से गवर्न होगा, ये वाला क्राइटेरिया रहेगा, क्योंकि जब स्पेशल लॉ है तो फिर स्पेशल से गवर्न तो होगा ही होगा। चाइल्ड मैरिज को हम किसको, हाँ, देखो दोनों मिलने तो एक ही है, बट स्पेशल ये हिंदू वाला वर्ड आ गया इसलिए ये ग्राउंड के साथ में चला जाएगा। 125 में तो सेपरेट रेजिडेंस वाला क्राइटेरिया, मेंटेनेंस वाला क्राइटेरिया, वो प्रूव करना पड़ेगा भी किस रीजन से अलग रह रहे हैं, एक तरीके देखा जाए वहां पे, वो एक इंडिपेंडेंट हो गया उसमें, तो कहीं ना कहीं एक प्री स्टेप ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ फैमिली जैसा हिंट है वहां पर, फैमिली मतलब बचने नहीं, यहाँ पर पॉइंट है कि एक तरीके से अभी कोर्ट यहाँ पे ग्रांट करी है, ये एक ऐसा है स्टेप जिसमें दोनों तरफ वापस जा सकता है, बच भी सकती है मैरिज, फिर किसी में भी क्लेम करो, इसमें क्लेम किया तो ये वाला क्राइटेरिया अप्लाई, क्योंकि अभी तो हमने 25 पर भी जाना, सेक्शन 25 एचएमए के अंदर भी देख लो डिस्क्वालिफिकेशंस क्या। जब हम इसको एक सेक्रामेंट मानते हैं तो फिर मॉरल ग्राउंड इसीलिए बनाया हुआ है, शुरू में हमने नहीं डिस्कस किया सेक्रामेंट, अगर सेक्रामेंट नहीं मान रहे होते तो शायद ये वाला ग्राउंड भी अनचेस्टिटी वाला और ये चीजें भी शायद ना होते इसके साथ में, वो अलग क्राइटेरिया ना। तो बाकी पॉइंट हो गया स्पेशल लॉ एंड जनरल लॉ का क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग
हिंदू वाला क्राइटेरिया होगा यही 18 और ये नहीं के अकॉर्डिंग गवर्न होगा, 24-25 उनके अकॉर्डिंग गवर्न होगा, एचएमए की, इसी के अकॉर्डिंग है ना, क्योंकि स्पेशल लॉ जनरल लॉ का फिर पर्पज ही क्या सर्व होगा जैसे अगर इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, इसमें जो ग्राउंड्स आ गए ये ग्राउंड जब प्रूव होंगे तो फिर उसमें सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस वाला राइट मिलेगा इसमें थर्ड ग्राउंड के अंदर। अब 13(2)(3) को एक बार दोबारा रीड करना। अब इसमें भी 1 ईयर आ गया, इसमें भी क्या हुआ, सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस हो गया, जो पॉइंट आ गया नो कोहैबिटेशन। इस 1 ईयर ऑफ पासिंग डिग्री, 1 साल निकल गए इकट्ठे नहीं रहे हैं, तो फिर ये एब्सोल्यूट ग्राउंड बनेगा, इसी के बेस के ऊपर क्या होगा कि क्लेम किया जा सकता है डिवोर्स का राइट, सीधा सीधा एब्सोल्यूट ग्राउंड ही बन जाएगा। ठीक है, 4 को रीड करना जैसे इसमें। वही हो गया 15-18 के बीच में रेपुडिएट करना है, बिफोर 15 की मैरिज है जैसे इसके रिगार्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो स्पेशल राउंड हो गए यहाँ पर 13(2)(3) हो गया, वो रीड विद 18 वाले क्राइटेरिया के साथ में हो जाएगा। इसमें लिख लो ग्राउंड्स ऑफ वाइफ, ग्राउंड्स ऑफ वाइफ, फर्स्ट 13(2)(1) इट इज अ प्री एच एम ए बाइगेमस मैरिज। शेयर मॉर्निंग होती है उस टाइम पे इतना आवाज नहीं करती है, ये भी थक जाती है इसे मॉर्निंग क्लास रखती है सीपीसी, उस टाइम तो नहीं होता इतना, आप में से अगर होते हैं कोई उस टाइम पर। प्री हेक्ट बाइगेमस मैरिज, नेक्स्ट लाइन लिखो, बोथ द वाइव्स हेक्ट प्री एच एम ए बाइगेमस मैरिज। नेक्स्ट एंड बोथ द वाइव्स कैन फाइल द पिटिशन, बोथ द वाइव्स कैन फाइल द पिटिशन कुछ ना कुछ तो होगा ना प्रायोरिटी वाला, एक में तो पहले वाला क्रेडिट कहीं ना कहीं डेट्स और कुछ तो रहेंगे, सीनियरिटी प्रेफरेंस। The other wife should be alive. Next line. The other wife should be alive at the time of presenting the petition. Presenting the petition. It is available to only that wife who applied first, and there must be clear proof of the other marriage. Clear proof of the other marriage.
नेक्स्ट सेकंड ग्राउंड पनिशमेंट फॉर रेप सोडोमी एंड बेस्टिलिटी. नेक्स्ट लिखो इसमें द पनिशमेंट मस्ट बी, पनिशमेंट मस्ट बी, पनिशमेंट मस्ट बी फाइनल. नेक्स्ट लाइन हियर द वर्ड फाइनल मीन्स फाइनल मीन्स आइदर द अपील हैज नॉट बीन फाइल्ड appeal has not been filed by the husband against punishment or confirmed by the Supreme Court. ठीक है. Next इसमें थोड़ा सा point इसमें with point लिखो with regard to rape. With regard to rape, इसमें पॉइंट क्या था जैसे उसके रिगार्डिंग की एक्सेप्शन है जैसे उसमें मेंशन की हुई, क्या लिखा हुआ था उसमें, कौन सी एक्सेप्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर की गई थी. आईपीसी आप में से किसी का नहीं हुआ अभी तक. 375 में एक्सेप्शन. नहीं उसमें क्या थी लैंग्वेज, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट थॉट. एक बार उसको रीड करो एक्सेप्शन सेकंड को, आप इसमें सॉफ्ट कॉपी रीड कर लो तो वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा इसके रिगार्डिंग, क्योंकि उसका एक प्रस्पेक्टिव एक 2018 वगैरह से पहले अलग था अब अलग है. 375 सेक्शन और उसकी आईसीसी एक्सेप्शन सेकंड है उसका. Read karna uska. Sexual intercourse by a man with his own wife, the wife not being under 15 years of age. हाँ, तो उसमें क्या mention किया गया था कि अगर 15 plus है, देखा जाए child marriage है, but इस case में sexual intercourse would not amount to rape. ठीक है, इसी चीज को ही reverse किया गया है independent thought versus union of. ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने इस केस के अंदर सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इफ दैट डजंट एग्जिस्ट, ये कर दिया गया उसके रिगार्डिंग, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गई. कौन से आर्टिकल में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चल रहा है आप सबका. कौन से आर्टिकल, हम हमेशा बोल देते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, कौन से आर्टिकल के कारण होते हैं, अगर ये क्वेश्चन में आपको और सीक्वेंस में कोई मेंशन कर दिया जाए तो. कौन से आर्टिकल के कारण अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, 14 है, 15 है, 19 है, 20, 21 है, 13 है, 25 है, कौन से के कारण. यस रितेश, कौन से आर्टिकल के कारण अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होते हैं बताओ, कर चुके हो ये शुरू वाले सारे, वही तो है माइंड लेवल. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहां पर है, सेवरेबिलिटी कहां पर है. ठीक है, उसी के अंदर जो है 13 के अंदर ही जुडिशियल रिव्यू कहां पर है, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड कोई शेड्यूल भी है, नाइन्थ शेड्यूल है, तो आर्टिकल 13 ही है जिसके अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है उसके, उसका और अब टेस्ट क्या है, उसका टेस्ट. कौन
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ में, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कोई 326 है उसको वायलेट कुछ कर रहा हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। उसमें क्या लिखा हुआ है? कुछ लिखा भी हुआ है उसके अंदर? सनाट खत्म होने वाला है अभी। पार्ट थ्री को जो भी कोई प्रोविजन, कोई भी नया कानून वायलेट करता है, पार्ट थर्ड प्लस बेसिक स्ट्रक्चर, इफ एनी लॉ वायलेट्स दैट, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, पार्ट थर्ड तो ओरिजिनली पार्ट था ही था, बेसिक स्ट्रक्चर कौन से केस में आया वो तो पता ही होगा, तो उसमें आया वो अलग। उन दो चीजों को जो वायलेट करता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चाहे वो एनजैक, एनजैक क्या था या क्या है, उसमें वो बेसिक स्ट्रक्चर के वायलेशन के रिगार्डिंग था, ये क्राइटेरिया हो गया उसमें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब पार्ट थ्री में तो नहीं लिखा हुआ ना ये वाला पॉइंट, पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड क्या है? फंडामेंटल राइट्स। तो पार्ट थर्ड और बेसिक स्ट्रक्चर को जो वायलेट करता है दैट इज डिक्लेयर्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब इंडिपेंडेंट थॉट में ऐसा क्या आ गया? जो पार्ट थर्ड को वायलेट कर रहे हैं, जो कहीं नहीं फॉल करता ना, 21 में फॉल कर जाता है, राइट टू लाइफ। लाइफ मतलब वो बच्चा, अभी तक बच्चा है और उसकी लाइफ के बारे में डिसाइड किसने कर दिया? पेरेंट्स या किसी और ने? ऐसे कैसे उसके रिगार्डिंग, उसी में वो चीजें उसी के रिगार्डिंग, एंड 14 के साथ में कोरिलेट करके इक्वालिटी, मतलब एक तरीके से उसके अकॉर्डिंग जब लॉज और तो बेसिक तो है 21 ही वहाँ पर। उसमें इसमें वही क्राइटेरिया आ गया कि जब इसमें हम जो 375 वाला क्राइटेरिया, उसमें इस चीज को डिक्लेयर कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये वाला क्राइटेरिया, तो अब इसमें फर्क क्या पड़ गया? इसी चीज के कारण एक दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ गया, जब उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया तो ये इश्यू राइज होता है, जो इसकी एक अलग इंटरप्रिटेशन है। इन केस ऑफ माइनर वाइफ एंड मेजर वाइफ एक डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। अब वो इंपैक्ट यहां पर तक आ गए, अब इन दोनों में क्या हो गया, अब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? मैरिटल रेप का मतलब है हस्बैंड हेल्ड लायबल फॉर रेपिंग हिज ओन वाइफ। ठीक है, तो इन केस ऑफ माइनर वाइफ ये भी हेल्ड हो गया ना ऑटोमेटिकली उसी के साथ। ये वाला क्वेश्चन नहीं डिसाइड क्योंकि उन्होंने मेजर वाइफ के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला, ये इंटरप्रिटेशन है इसी चीज के रिगार्डिंग आगे, तो ऑटोमेटिकली यही तो पॉइंट निकल रहा है, क्योंकि इम्प्लाइडली क्या है कि जब एक तरफ तो आप पॉस्को जैसा एक्ट लेके आ रहे हो, एक तरफ आप माइनर वाइफ को अलाउ कर रहे हो, ये तो हो गया इन द गार्ब ऑफ मैरिज रेप इज अलाउड, सेक्सुअल एक्टिविटीज अलाउड और अगेंस्ट द विशेज, और विशेज है भी तो क्या, डजंट मैटर, इसीलिए वो कॉन्सोनेंस में होना चाहिए। इसीलिए तो अभी थोड़ा दिन पहले वो जो केरला हाईकोर्ट की जजमेंट आई थी, उन्होंने यही बोला उसमें, मुस्लिम मैरिज थी, कि जो भी चाइल्ड मैरिज है उसके अंदर पॉस्को एक्ट लगाया जाए हर एक इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ये मेंशन किया गया। तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ जजमेंट शुरू होंगे, क्योंकि फिर इंडिपेंडेंट थॉट का मीनिंग क्या हुआ? 375 एक्सेप्शन 2 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का मीनिंग क्या हुआ? क्योंकि उसमें क्या है कि कंसेंट है नहीं है, पेरेंट का कंसेंट है नहीं है, डज नॉट मैटर, तो इसलिए हर चाइल्ड मैरिज में ये एक्ट लगाया जाना चाहिए और प्रोसिक्यूशन उसी में ही होनी चाहिए, ये वाला क्राइटेरिया। ठीक है, तो वही पॉइंट मैं आपको मेंशन करवा रहा हूं इसके रिगार्डिंग, क्या इन केस ऑफ रेप, हाँ विद रिगार्ड टू रेप अर्लियर, विद रिगार्ड टू रेप अर्लियर मैरिटल रेप वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मैरिटल रेप वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू द चाइल्ड मैरिज ऑल्सो, विद रिस्पेक्ट टू द चाइल्ड मैरिज ऑल्सो, बट आफ्टर
इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया marital rape is indirectly recognized marital rape is indirectly recognized in case of a child marriage in case of child marriage where wife is under 18 years अदरवाइज वो एक्सेप्शन सेकंड के अकॉर्डिंग चल रही थी 15 से नीचे है तो वो उसमें आ रहा था फॉल कर अब 15 टू 18 वाला क्राइटेरिया भी उसी में फॉल कर गया तो इन केस ऑफ मेजर वाइफ वाला क्राइटेरिया उसमें मैरिटल रेप स्टिल नॉट रिकॉग्नाइज जो भी वो हुआ था स्प्लिट डिसीजन ही आया था दिल्ली हाई कोर्ट का वो रेफर टू द लार्जर बेंच जैसे उसके रिगार्डिंग वो डिपेंड्स अभी सर्कमस्टेंसेस आगे रहेंगे जैसे नेक्स्ट अगले पैराग्राफ में सोडोमी मीन्स नेक्स्ट पैराग्राफ में इसी पॉइंट का सोडोमी मीन्स अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट अगेंस्ट द नेचर अंडर सेक्शन 377 आईपीसी नेक्स्ट लाइन में Bestiality Bestiality is also unnatural sexual activity against the animals नेक्स्ट अगला 13-3 if wife is residing separately and getting the maintenance for 1 year or upwards 1 year or upwards either under section 18 HAMA either under section 18 HAMA or 125 CRPC 125 CRPC then after lapse of 1 year it becomes an absolute ground it becomes an absolute ground for the wife absolute kyun bol rahe hain because she doesn't need to prove that particular fault once again sirf ye prove karna hai pehle prove kiya tha ek saal ho gaya lag rahe the isliye absolute ground ke criterion mein aa gaya next agla point kyunki isme 1 year wala ho gaya separately rehte ho no resumption of cohabitation hai 13-1A जो है ऊपर जिसमें RCR और जुडिशियल सेपरेशन उसमें भी एक एक साल ही है 13-2-3 है उसमें भी कितना टाइम है सेम ही एक साल वाला क्राइटेरिया है इसके अंदर भी नेक्स्ट अगला 13-2-4 अब इसका एक रिलेशन अगर आ जाए कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अ चाइल्ड मैरिज इन हिंदू एंड मुस्लिम लॉ एंड व्हाट आर द राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ द हिंदू एंड द मुस्लिम वाइफ when the marriage has been done by their guardian before attaining 15 years kya likhoge fir uske regarding kya hoga usme kya kuch mention kiya jayega dono mein theek hai देखो दोनों का अलग अलग मेंशन होगा जैसे उससे मुस्लिम वाइफ के रिगार्डिंग होगा
तो उसमें वो विद कंसेंट ऑफ द गार्डियन होना चाहिए 15 से पहले. 15 से पहले की कंज्यूमेशन है दैट इज इमटेरियल. आफ्टर 15 अटेनिंग है कंज्यूमेशन दैट इज मटेरियल, दैट इज इंप्लाइड कंसेंट. और उस केस में वो जो ग्राउंड है उसमें सेक्शन 2 क्लॉज 7 1939 एक्ट का, दैट ग्राउंड विल बी लॉस्ट उस केस में. सो दैट मींस दैट इज द ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी प्रोवाइडेड मैरिज इज नॉट कंज्यूमेटेड. उसमें ये मेंशन होगा. यहाँ वाले क्राइटेरिया में क्या होगा स्पेसिफिकली, वही 15 से पहले मैरिज हुई होनी चाहिए और 18 से पहले उसने मैरिज को खत्म कर दिया. अब एक एग्जांपल है कि मान लो चाइल्ड मैरिज होगी और उसके बाद में वाइफ थी हिंदू वाइफ ही और वो 17 इयर्स की थी तो अपने पेरेंट्स के घर पे जाके रहने लगी. एक साल डेढ़ साल निकल गया. अब उसने पिटीशन फाइल कर दी अंडर 13(2)(4) मिलेगा डिवोर्स. फैक्ट्स क्लियर है? क्या होगा? मैरिज हुई उस टाइम उसकी एज थी 14 इयर्स. उसके बाद दो तीन साल वो रहे इकट्ठे. 17 इयर्स की एज मतलब मान लेते हैं वहां पे एक चाइल्ड भी बॉर्न हो गया था, 17 इयर्स की एज हो गई थी तब वो अपने जाके पेरेंट्स के घर पे जाके रहने लगे. उसके 1.5 ईयर के बाद में उसने पिटीशन फाइल कर दी. सेवनटीन ईयर्स की थी तब कह के गई थी आज के बाद दोबारा वापस इस घर में नहीं आऊंगी, हस्बैंड को सबको कह के गई थी. मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा. इसको रीड कर देखो 13(2)(4) क्या कहता है. फाइलिंग ऑफ पिटीशन बिफोर अटेनिंग 18 इज नेसेसरी और रेपिटेशन ऑफ मैरिज बिफोर अटेनिंग 18 इज नेसेसरी. क्या होगा फिर इसमें? उन टेक्निकलिटीज के अकॉर्डिंग जाएंगे जैसे वो पॉइंट के उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा इसमें? बताओ रेपुडिएशन और डिग्री दोनों बराबर है? रेपुडिएशन एंड वर्ड इज इक्वल टू डिग्री. क्या होगा जब उसको यूनिलेटरल ऑप्शन दिया है वो एक्सरसाइज करना, कॉन्ट्रैक्ट भी मान लो रेपुडिएट करना है, पार्टी का ऑप्शन होगा तो वही करेगी. यहाँ पे भी ऑप्शन है, उसने रेपुडिएट कर दिया, ऑप्शन अपना एक्सरसाइज कर लिया. उसकी डिक्लेरेशन टू एंड द मैरिज है वो बिफोर 18 चाहिए, उसका प्रूफ चाहिए कि हाँ उसने वो डिक्लेयर वगैरह कर दिया. इलिटरेट हो तो लिखना ना आए तो फिर क्या होगा? वो रेपुडिएशन ही मानेंगे. हम डिक्लेयर कर दिया पब्लिकली, रिलेटिव्स को कर दिया, हस्बैंड को कर दिया, उनको नोटिस दे दिया. तो पॉइंट में रेपुडिएशन चाहिए. अब अगर मान लेते हैं कि 16 के बाद एक साल डेढ़ साल या दो साल अगर वो अलग रह लिया, कंडक्ट भी क्या शो कर रहा है? दे आर नॉट रेजाइडिंग टुगेदर एंड देयर इज अ डिक्लेरेशन ए रेपुडिएशन बिफोर अटेनिंग 18. दैट मींस यहां पे रेपुडिएशन इज रिक्वायर्ड बिफोर अटेनिंग 18, डिग्री कैन बी अटेंड आफ्टर दैट ऑल्सो. ये क्राइटेरिया है. अब यहाँ पर आ जाएगा कितने टाइम में? वो कहते हैं नहीं अब तो मैं डिवोर्स भी नहीं चाहिए, वो मैरिज ना कर ले इसलिए खुद भी डिवोर्स नहीं ले रही. क्या होगा उसमें? यहाँ पे वो सेक्शन 23 का जो डी वाला पार्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे कुछ अनरीजनेबल डिले और वो लैचेस वाला पार्ट 23(1)(d) और दो साल तीन साल चार साल निकल गए, क्या हस्बैंड के लिए डिसेशन का ग्राउंड बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? उसके लिए तो बनेगा बनेगा डिसेशन वाला ग्राउंड. अगर वहां पर मान लो 72 इस टाइम पर भी रह रही है तो भी वहां पर वो पॉइंट बन ही जाएगा ना सेस के रिगार्डिंग, उसमें भी बनेगा बनेगा सेस के रिगार्डिंग. इसमें लिखो पॉइंट मैरिज should have been done
marriage should have been done before the attaining of 15 years. Should have been repudiated. Repudiated between 15 to 18 years. Next line is me. Repudiation must be a valid repudiation. अब इशू वैलिड रेपुटेशन जब वर्ड यूज कर लिया यहां से एक अगला डाउट भी अराइज होता है इसके। क्या डाउट होता है कि क्या हम माइनर की रेपुटेशन को वैलिड मानेंगे, क्या गार्डियन उसके बिहाफ पे रेपुटेशन कर सकता है क्या? ये इश्यूज अगले आ जाएंगे उसके रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग एक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन रेपुटेशन करेगा तो माइनर ही, माइनर के बिहाफ पे गार्डियन वाला क्राइटेरिया भी उसमें अप्लाई भी हो सकता है उसके। बट इशू आता है जब गार्डियन ने ही मैरिज की तो गार्डियन ही रेपुटेट क्यों कर रहा है? इसीलिए रेपुटेशन मस्ट बी बाय दैट मतलब वाइफ ओनली, और वही कंडक्ट से शो होगा जब पिटीशन फाइल की जाएगी, देन दैट विल बी एक्सरसाइज। नेक्स्ट मेंशन कर दो इसमें, द पिटीशन कैन बी फाइल्ड इवन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 इयर्स। नेक्स्ट लाइन इसी में, फाइलिंग ऑफ पिटीशन इन इटसेल्फ along with the previous conduct would amount to a valid repudiation for the statutory purposes. नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें, सेक्शन 13(2)(4) HMA इनडायरेक्टली रिकॉग्नाइजिंग चाइल्ड मैरिज एज अ वैलिड मैरिज। बिकॉज If it would have been a void marriage, तो divorce का question arise होता? होता ही नहीं। Then framers की वो intention नहीं थी। If it would have been a void marriage, then no question of divorce should have arose. Arise ही नहीं होता ना वो वाला point। क्योंकि हम 11 में डिवोर्स की बात करते हैं, नहीं 11 में क्या है? वॉइड मैरिज। नेचुरल गार्डियन कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है? नेचुरल गार्डियंस। इन द माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट के कौन से सेक्शन है? 6 में। कितने टाइप के हैं नेचुरल गार्डियन? कितने टाइप के हैं? हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड इन केस ऑफ माइनर वाइफ, वो चीज भी तो इसी के साथ में आ रही, इसीलिए वो वाला पॉइंट भी यहाँ पे साथ में मेंशन करना है। एक अगली लाइन में लिखो, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट रिकॉग्नाइजेस, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट रिकॉग्नाइजेस हस्बैंड एज अ गार्डियन ऑफ ए माइनर वाइफ। तो जो ऊपर लाइन लिखी थी ना वैलिड मैरिज वाला पॉइंट है, उसी के फेवर में गार्डियन जब हम उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं। द माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट सेक्शन 6 रिकॉग्नाइजेस हस्बैंड एज द नेचुरल गार्डियन ऑफ अ माइनर वाइफ। कंबाइंड रीडिंग क्या होगी 13(2)(4) और सेक्शन 6C? क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? चाइल्ड मैरिज अंडर हिंदू लॉ इज अ वैलिड मैरिज, बट
पनिशेबल, वो वाला क्राइटेरिया, यही वाला क्राइटेरिया होगा ना, जैसे वो पॉइंट इसके साथ में कोरिलेट हो जाएगा। फ्रेमर्स तो एक ही थे ना दोनों जगह पे, जैसे उसके देयर वाज नो इंटेंशन टू डिक्लेयर सच अ काइंड ऑफ अ मैरिज टू बी अ वॉइड मैरिज एटसेट्रा। कितने साल तक बच्चे कस्टडी फादर के पास रहेगी? कितने साल तक छोटे बच्चे इन्फेंट की कस्टडी फादर के पास में रहेगी? पांच साल तक मदर के पास रहेगी, फादर के पास तो उसके बाद नहीं आते। ठीक रिवाइज कर रहे हो आप लोग, कहीं और पहुंच गए। वेलफेयर ऑफ चाइल्ड इज पैरामाउंट कंसिडरेशन, इस ये कौन से सेक्शन में बता दो? वेलफेयर ऑफ माइनर इज पैरामाउंट कंसिडरेशन, कौन से सेक्शन का टाइटल है? एक से लेके 13 तक लिखे हुए ना उसमें। टेस्टामेंट रिगार्डिंग कौन से सेक्शन में सेक्शन है? कौन कौन अपॉइंट कर सकता है टेस्टामेंट रिगार्डिंग? टेस्टामेंट रिगार्डिंग कौन कौन अपॉइंट कर सकता है? फादर, मदर, हस्बैंड, ऑल ऑफ द अबव, ए एंड बी, बी एंड सी। नेचुरल तीन थे ना, तीनों के पास ही राइट है। क्या होगा? फादर एंड मदर ही है। क्या पढ़ नहीं रहे हो ये वाले पॉइंट? आरसीआर का सेक्शन कौन सा? यस लास्ट में जुडिशियल सेपरेशन का कौन सा सेक्शन? तभी मैं पूछ रहा हूँ ना, वो पता लग रहा है। हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ आ रहे हैं अभी भी है ना, 18 इयर्स तक, और ये वाले क्राइटेरिया जो आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग। यस जुडिशियल सेपरेशन ये डिक्री पास होने के बाद कितना टाइम तक कोई कठिन आ रहे हैं, देन दैट बिकम्स अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। क्या होगा? कितना है? एक साल है। कौन से सेक्शन में लिखा है आप बताओ? सेक्शन कौन से? कौन से में? 13(1) कैपिटल। क्या कह रहे हैं? 13(1) कैपिटल ए, उसी का क्लॉज फर्स्ट में आ गया था। यस हाँ, नेक्स्ट आप भी जुडिशियल सेपरेशन में डिक्री आ गई, यू कितना टाइम तक इकट्ठे नहीं रहे, देन दैट बिकम्स अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल। यस नो, जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड्स कौन से हैं बता दो, कोई भी 3 ग्राउंड बता दो। अब यही करना, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट ही लग गया है, 3 ग्राउंड ही बताने हैं। अब इतने सारे ग्राउंड है, आज भी एक किया है शुरू में। कितने ग्राउंड है जुडिशियल सेपरेशन के? 7, 8, 9, 10। कितने? 2 के सब क्लॉजेज हैं, 1 हट गया। 7 के 6 रह गए, 6 + 2 हो गए वापस 8।
यही आते हैं, और क्या क्वेश्चन तो यही के रिगार्डिंग पे। नेक्स्ट अगला 13B, उससे पहले क्या एक बार 13A पर आओ, इसमें 13 कैपिटल ए इजी से क्वेश्चन तो इसमें कोई है ही नहीं इतना। पूछ लेते हैं इनसे भी। 13A एक आना इसके ऊपर, 13 कैपिटल ए के ऊपर। 13A है एक सेक्शन और एक है सेक्शन 23 का क्लॉज 2, इन पे बेस भी 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। के पहले इसको समझ लो है क्या। थर्टीन ए का टाइटल क्या है? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में ये तो होगा नहीं भी पार्टी में आने जाए जुडिशियल सेपरेशन, आप डिवोर्स लो ऐसा कर देंगे ना, आरसीआर मांगने जाए, नहीं नहीं तलाक के लो वाला पार्टी। ऑल्टरनेट में क्या ये करेंगे तो पॉजिटिव वे में होगा ना क्राइटेरिया। तो 13A को रीड करो क्या है। So that means क्या हुआ? इन तीन, ये तीन ग्राउंड बन गए एक तरीके से, इशू बनता है दीज आर एब्सोल्यूट ग्राउंड। एब्सोल्यूट ग्राउंड क्यों बोला? जो मांगा है वही मिलेगा, कोर्ट बदले में कुछ सब्स्टिट्यूशन भी नहीं देगी। ठीक है, अब 267 क्या है? कन्वर्जन, रेनाउंस द वर्ल्ड, 7 years एब्सेंस। जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट करके भी क्या होगा, सिचुएशन ही ऐसी बन गई जैसे उसके रिगार्ड रेनाउंस और 7 years एब्सेंस है, क्लियर कट ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं रही जैसे उसमें। दैट मीन ये तीनों एब्सोल्यूट हो गए, तो दैट मीन जो बाकी बच गए उनके अंदर आ जाएगा जुडिशियल सेपरेशन कैन बी ग्रांट। मतलब चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला पॉइंट कह लो, क्रुएलिटी कह लो, डिजर्शन कह लो, इस तरीके से मेंशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन वही बन जाता है इसके रिगार्डिंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट कैन नॉट ग्रांट जुडिशियल सेपरेशन। अब उसमें एक इनमें से डाल दो, नाम लिख के या क्लॉज डाल के, वो क्वेश्चन एक डिफरेंट बन गया। तीनों को अलग अलग करके डालो जैसे उसके रिगार्डिंग, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग जुडिशियल सेपरेशन कांट बी ग्रांटेड, तीनों लिख के नीचे ऑल ऑफ द अबव आ जाए, या इधर में 4 लिख के फोर्थ वाला नन ऑफ द अबव ऐसा कुछ मेंशन कर दे जैसे इसमें। तो ग्राउंड्स इसीलिए वो जो है ना 8 ग्राउंड्स है उनका एक कैचिंग वर्ड सभी का एक एक पिक कर लो जैसे उसके रिगार्डिंग। एक्सटर्नल अफेयर हो गया, क्रुएलिटी वाला पार्ट हो गया, डिजर्शन हो गया, कन्वर्जन हो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया, प्रोसीड रिलेटेड है, और उसके बाद वेनरेबल डिजीज हो गया, रिनाउंस एंड 7 years सीक्वेंसिंग वाला पार्ट जैसे, तो वो वाला क्राइटेरिया पे चलो। अब अगला जो पॉइंट हम इसके अंदर, तो 13A का मीनिंग क्या हो गया कि वहां पे क्लेम करने गई पार्टी डिवोर्स, तो उसको ग्रांट कर दिया गया जुडिशियल सेपरेशन। ऑल्टरनेट का मीनिंग ये, ऑल्टरनेट में ये वाला क्राइटेरिया। अब 23 का क्लॉज 2 का रोल क्या है एक बार उस पे हो। जब भी पार्टीज अलग होने तो समझाएंगे बुझाएंगे कि नहीं, जैसे फैमिली वाले मेंबर है उसी तरीके से वो भी रिकंसिलिएशन के लिए भेजेंगे, इवन सीपीसी के अंदर भी सूट के लिए जाएंगे तो भी हो सकता है उनको एक बार एडीआर के लिए भेज दें, ना सल्टे कोई बात नहीं वापस आ जाएंगे। सेम बात यहां पर भी 23 का क्लॉज 2 उसको रीड करना। ठीक है, ये तो हो गया एक डायरेक्शन कोर्ट के लिए कि रिकंसिलिएशन करनी है। प्रोविजो को रीड करो इसमें। सारे आ गए ऊपर वाले तीन को छोड़ के, इनके अंदर रिकंसिलिएशन वाला क्राइटेरिया भी, अगर अनसाउंड माइंड पर्सन है उसको रिकंसिलिएशन क्या होगी? अनाउंस द वर्ल्ड वाला क्राइटेरिया, कोई रिकंसिलिएशन का चांस है वो बैठ के बात करें, 7 years एब्सेंस है कुछ भी नहीं।
अगर वो डिजीज ही ऐसी है उसमें समझाने रिकंसिलेशन क्या है, वहां तो मेडिकल वाला क्राइटेरिया है, कोई रिकंसिलेशन का रोल नहीं। दैट मींस वही पॉइंट यही एक्सट्रामैरिटल अफेयर क्रुएलिटी डिजर्शन इनके अंदर रिकंसिलेशन वाला पॉइंट है, रिकंसाइल हो सकती है वापस, दे कैन रिजाइड स्टिल लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ। तो इन व्हाट केसेस इट इज मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू सेंड द पार्टीज फॉर द रिकंसिलेशन, यही तीन ग्राउंड क्योंकि प्रोविजो के अकॉर्डिंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इज बाउंड टू सेंड द पार्टीज फॉर द रिकंसिलिएशन, अब उसमें क्या मेंशन किया, अभी तो मैं नहीं पूछ रहा हूं इसलिए आपको बता ही रहा हूं, अगली बार पूछूंगा ये वाले। तो उसमें जो 2 से लेके 7 के ग्राउंड वैसे मेंशन कर दिए, एक इनमें से डाल दिए, चलो ये वाला जिसमें आ गया उसमें कोर्ट सेंड करेगी। इनके इसके अलावा जो ग्राउंड हो गए सारे तो आगे, तभी करो 1, 1A, 1B, ये तो छोड़े हैं, बाकी सारे तो उसी में फॉलो ही करके, उल्टा एक को डिलीट भी करना चाहिए था जो लेप्रोसी वाला इसमें मेंशन किया, वो हटाया नहीं वैसे इसके रिगार्डिंग। तो पॉइंट वही हो गया कि दैट मींस बाकी सारे उनके अंदर नहीं भेजना, इनके अंदर तो पक्का भेजना, ये क्राइटेरिया बन गया वैसे इसके रिगार्डिंग। तो ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन प्री के बनते हैं स्पेसिफिकली, इसलिए ये 23(2) का प्रोविजो इस तरीके से मत छोड़ो, इसमें इस तरीके से रिलेशन 13A देखने को ऑल्टरनेट रिलीफ ही है, बट कौन से केसेस में है कौन से केसेस में नहीं है, कोर्ट ऑल्टरनेट में हमेशा क्या ग्रांट करेगी, जुडिशियल सेपरेशन। ये थोड़ा कि जुडिशियल सेपरेशन के केस में डिवोर्स हो गया, आरसीआर केस में जुडिशियल सेपरेशन हो गया, तो दैट मींस ये क्राइटेरिया 13A कौन से केस के ऊपर एप्लीकेबल हुआ, मैट्रिमोनियल जो बार इसमें डिवोर्स वाले केस के साथ में रिलेट हुआ ना, जैसे बेसिकली तो क्या आरसीआर वाले के साथ में जाएगा नहीं, पार्टी खुद वो मांग रही है, फिर कोर्ट को पॉजिटिव इतना होने की जरूरत है, कोई रोल ही नहीं है उसमें। तो 9 वाले के साथ तो 13A को रीड करने की भी जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में ये था कि इन व्हाट केसेस कोर्ट डजंट हैव अ डजंट हैव अ डिस्क्रिशन टू ग्रांट द अल्टरनेट रिलीफ, सेकंड और कौन वाज 6th, 7th, 7th, वो वर्डिंग ही चेंज होगी और यही ग्राउंड ही रहने वाला है, इसलिए बेसिक थोड़ा सा माइंड में रख लो। 13A में कौन से ग्राउंड लिखे हुए हैं, 23 तो पता ही है, बाकी सारे ही आ गए इन तीन को छोड़ के, कुल मिला के वो सारे ग्राउंड तो वही हैं जो अपने 8 उसके ग्राउंड है, 8 याद रह जाएंगे, 8 ग्राउंड है डिवोर्स वाले, फॉल्ट ग्राउंड के 8 ग्राउंड है। यस, वाइफ वाले कितने ग्राउंड है, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12। 13(1) वाले वाइफ को अवेलेबल नहीं है, फिर वो भी तो है ही अंडर सेक्शन 13, हाउ मेनी राउंड्स आर अवेलेबल टू वाइफ, अगर वर्ड आए स्पेशली अवेलेबल टू वाइफ, स्पेशली वर्ड आए तो कितने, वैसे 8 है या 12 है क्योंकि अवेलेबल वाला क्या है, हाउ मेनी राउंड्स आर अवेलेबल टू द हस्बैंड, वो 13(1A) वाला क्राइटेरिया उसके साथ रिलेट करें। जुडिशियल सेपरेशन वाला इनबिल्ट है, फॉल्ट ग्राउंड्स वाला क्राइटेरिया, हाउ मेनी फॉल्ट ग्राउंड्स आर अवेलेबल टू द हस्बैंड इसके अकॉर्डिंग। तो वाइफ वाला क्राइटेरिया होगा वहां पे 8+4 है, अगर स्पेशली वर्ड आ जाए तो फिर अकेला 13(2) की बात है। सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस मिल चुका है वाइफ को, कितना टाइम से अलग रहते हो तो वो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बनेगा, 1 साल, ठीक है। अब 1 ईयर मेजर जो जगह है वहां पे 1 ईयर ही क्राइटेरिया आ रहे हैं। डेजर्शन के लिए कितना टाइम से, यस डेजर्शन कितना टाइम से अलग रहते हो, 2 साल, कौन से क्लॉज में मेंशन, थर्टीन में है, क्लॉज 1 में आगे कौन से में, वन बी डेजर्शन कितने टाइप की है, डेजर्शन किसने टाइप किया, एक्सीलेंट कंस्ट्रक्टिव है, एनिमस रिवर्टेंडी क्या मीनिंग है, क्या है विदिंटेंशन क्या आगे, इंटेंशन टू रिटर्न या नो इंटेंशन टू रिटर्न, एनिमस डिस्ट्रेंडी क्या है,
कोई बीच में बैठा ही नहीं कब है लेबर लॉ मंडे चलो ठीक है नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू अपना ये कंसेंट वाला क्राइटेरिया और इस पे कंसेंट वाला टॉपिक हो गया एचएमए को मतलब मे भी हो सकता है अगले वीक में एचएमए खत्म भी हो जाए नो डाउट्स ठीक है पता लगे ना क्या पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में पूछ रहा हूं